चेंज भी नहीं करने दिया, पीछे इसके कपड़े दिखाई दे रहे। ये मेरे चप्पल की हालत, और अभी मैं जा रहा हूँ भाईजान, शूज चाहिए। अच्छा मतलब इस चप्पलों में मैं जाऊंगा, ये और इसके साथ पहन के जाऊंगा, चप्पू लगूंगा। हाँ मोजे भी चाहिए, मोजे भी, शाबाश। हाजी को भी मैंने यहाँ पे रोका हुआ है, हाजी को कहा भाई तुम रुको, वो नहा रहा, अभी घूम जाओ हाजी, पीछे दिखाओ तुम्हारी फट गई। अब नॉन स्टॉप जैसे नहा ले। हेलो बा यार, साथ क्या काम, चल बेटा चल जल्दी आ, वही फाइनली चाय का मूड है। आज मैं खुद नहीं जा रहा इस्लामाबाद, मैं वालेकुम भाई, आज मैं अपना आतुन को भेज रहा हूँ स्पेशली इस्लामाबाद जल्दी से, क्योंकि इसको अभी एयरपोर्ट की वॉशरूम में इसको मैं फ्रेश कर रहा हूँ, और यहीं से टिकट करवाइए, नॉन स्टॉप चला जाएगा। तो कंटिन्यू बेटा, जाओ जाओ जल्दी जल्दी करो। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है तबीयत, ठीक है। मैं दिलावर को भी भेज रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि नॉन स्टॉप मैं इसको एयरपोर्ट से ही भेज रहा हूँ। इसकी टाइमिंग है 6:30 की फ़्लाइट, तो मैंने कहा कि भाई यहीं से आप रेडी होके नॉन स्टॉप चले जाओ। बेचारे को मैंने चेंज भी नहीं करने दिया, पीछे इसके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, बाथरूम में नहा। तो अभी ये 10 मिनट के अंदर निकलेगा, और 9 स्टॉप इंशाल्लाह 6:30 की फ़्लाइट है कि चला जाएगा, और 12 बजे इंशाल्लाह 10 से 7 मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। हाजी को भी मैंने यहाँ पे रोका हुआ है, हाजी को कहा भाई तुम रुको, वो नहा रहा, अभी घूम जाओ हाजी, पीछे दिखाओ तुम्हारी फट गई। बाइक में इसका कपड़ा फट गया है, एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं हम वॉशरूम में, हम नॉन स्टॉप जैसे नहा ले। हेलो बा यार, साथ क्या काम, चल बेटा चल जल्दी आ। वही फाइनली चाय का मूड है, आज मैं खुद नहीं जा रहा इस्लामाबाद, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टिकट आपको पता है कि फ्यूल की वजह से बहुत ही महंगी हो चुकी है, तो 23,000-24,000 की टिकट पड़ रही थी। तो मैंने एक फ़ायदा उठाया, तो ये है कि एक दिलावर का स्टाफ है, स्टाफ की जगह इसको अप डाउन की टिकट पड़ी है 4,000 रुपये में, ये बेस्ट है। तो मैंने दिलावर को रेडी किया, ये ब्लॉग स्पेशली ब्लॉग मैं कराची एयरपोर्ट तक कवर करूँगा, आगे दिलावर आप दिखाएगा और वहाँ तक मिलेगा इंशाल्लाह, तो वहाँ से सामान लेगा और वापस आ जाएगा दूसरे दिन। नॉन स्टॉप जा रही है, अल्लाह हाफिज़। ये नवाब बैठा हुआ चाय पी रहे हैं बैठ के, ये दोनों रेडी हो गए, आज की फट गई है कमीज़। ये मेरे चप्पल की हालत, और अभी मैं जा रहा हूँ भाईजान, शूज़ चाहिए। अच्छा मतलब इस चप्पलों में मैं जाऊँगा, ये और इसके साथ पहन के जाऊँगा, चप्पू लगूँगा। हाँ मोजे भी चाहिए, मोजे भी, शाबाश। चलो भाई चलो, फाइनली मुझे बोर्डिंग के पास बिठाया गया है, आज़म ने धक्के देके मुझे भेजा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद कैसे पहुँचते हैं हम, और कैरियर से ही पहुँचेंगे उम्मीद है। बाकी की तो आज़म ने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्त वाली है। हाँ भाई अभी हम, मुझे तो कोई ब्लॉग बनाना नहीं आता, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ लॉन्च की तरफ, तो बोर्डिंग तो मिल चुका है, देखते हैं क्या होता है। आज़म भाई बहुत मुश्किल है यार व्लॉग बनाना आपका, पता नहीं आप कैसे बनाते हैं, जो भी है एडिट कर देना भाई, गलत सलत जो भी चीज़ें आ जाए। मुझे इस वक्त बोर्डिंग मिल चुका है,
और मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। आज़म मुझे कोई व्लॉग बनाना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेरी बातों को जो है कटिंग एडिट में कर देना। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं निकल जाऊँगा खैरियत से। ये लॉन्च में मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ इस्लाम हाँ मेरे भाई आज़म मैं निकल रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए। मैं ये वीडियो तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, और इंशाल्लाह आगे और मज़ा आएगा और इन्जॉय करता हुआ मैं पहुँचूँगा। तो मैं तुम्हें पूरी चीज़ें बताता हुआ वहाँ पे रबते में रहूँगा और तुम्हारी चीज़ें लेके आऊँगा। तुम्हारा तो ऐसा था कि तुम मुझे तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे जो है ना यहाँ से फेंक देते और मैं इस्लामाबाद पहुँच देता। तो इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचते हैं। बोर्डिंग कार्ड मिल चुका है और यहाँ से मैं अभी निकलूँगा तकरीबन 7 बजे, और 7 अभी बज चुके हैं। मैंने तैयारी पकड़ ली है आज़म, मैं निकल रहा हूँ भाई तुम्हारी वजह से। और जिस तरह से तुमने मुझे भेजा है, मुझे लग रहा है कि इस तरह से मैं कभी भी नहीं गया हो जाता। चलो खैर, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह इन्जॉय करते हैं। चलो भाई, इस जहाज़ के अंदर जाना है हमें आज़म, और अभी हम तैयार हैं जाने के लिए। तो आई एम ऑन द वे। चलो 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 भाई। अस्सलाम वालेकुम। हालत टाइट हो चुकी है, मेरे कान दोनों बंद हैं और अभी खा पी के चाय शायद पी के बैठे हुए हैं। बस खैरियत से ये फ्लाइट चले जाए इंशाल्लाह, फिर हम वहाँ पहुँच के आपसे आज़म मुलाकात करेंगे। नहीं, आज़म से मुलाकात नहीं करेंगे, अली से, अली मुर्तज़ा से मुलाकात करेंगे। आज़म को तो मैं बैग छोड़ के आया हूँ कराची, और उसके बाद कुछ दोस्तों से भी मुलाकात करेंगे और वो भी वीडियो में बनाऊँगा। आज़म ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए करने के लिए मुझे पता नहीं बहुत कॉम्फर्ट फिलने पड़ रहे हैं। लेकिन यार ये किस तरीके का ट्रेवल है, जिस तरह से तुमने मुझे भेजा है मुझे समझ में नहीं आया ये ट्रेवल है किस तरह का। अचानक से एयरपोर्ट से नला तुला के अपने शूज़ पहना के, और उसके बाद आपने मुझे भेजा है, वाह जी। अब हम एयरपोर्ट पे, और जी अब हम उतर चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और आज़म आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे ये बड़ा एयरपोर्ट पसंद है। आज़म खैरियत से पहुँच गया मैं, और अभी अभी बस लैंड हुए हैं, तो अभी लॉन्च की तरफ ही जा रहा हूँ। ये है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। जी तो हम खैरियत से पहुंच चुके हैं। ये है वो एयरपोर्ट जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी शायद मेरा दोस्त बाहर इंतज़ार कर रहा है आज़म। वो भी बचपन का दोस्त है जिसका ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हुआ था, और अब वो शायद बाहर हो। मुझसे उसकी मुलाकात काफ़ी साल के बाद हो रही है, क्योंकि वो मलेशिया चला गया था। अभी देखते हैं कि उससे मुलाकात होती है कि नहीं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये फाइनली ह्यूज एयरपोर्ट है, और मुझे बड़ा पसंद है आपकी वाली। अभी हम जा रहे हैं तो अपने दोस्त से मिलने, मतलब हम का मतलब है कि आ गया ऊपर। ये किस तरफ खड़ा है, ये आ रहा है मेरा भाई। कहता है हाल क्या बना हुआ है, पूछेगा ये मेहमान आए थे बाहर से, मैं इनसे बैठ ठीक है।
इजी हो जा कोई मसला नहीं। अबे ये मेरा जान, मेरा जिगर, मेरा यार, मुझे बड़े अरसे बाद मिला है और बड़े दोस्त देखे, जैसा नहीं देखा यार, लेकिन बड़े अरसे बाद मिले उस्ताद। और तो क्या करना था, इसको मैंने भी सुनाया कि मैंने सुबह कश्मीर जाना है, तो इसकी 64 पे जो है ना वो फुलझड़ियाँ लगी हैं कि तू क्यों जा रहा है। मतलब जब तू जा रहा था तो मुझे पहले बताता, मैं तुझे पहले बोल देता। बस बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। क्या पिलाते? कॉफी दोस्त है, लेकिन यहाँ पे इनको ये नहीं पता कि पढ़ाई क्यों होती है। सुधरेगा कभी भी नहीं। ये दे दे, रिव्यू दे दे भाई। और क्या खाएगा भैया? सिर्फ कॉफी। नहीं साथ में क्या लेगा? कुछ भी नहीं लेगा तो तू यार। कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉफी। ठीक है भाई, चले यार, दे दे एक भी। तो भाई फाइनली हम अपने यार से भी मिले हैं और अभी कॉफ़ी का मूड है। सर मेरा बहुत भारी भारी हो रहा है, मेरी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी का बोला है, कॉफ़ी पी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़म, ये हमारे भाई, हमारे कलीग है, हमारे दोस्त है इस्लामाबाद में, और इनसे बड़ी प्यारी दोस्ती हुई है हमारी, हमारे ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, उस्मान भाई नाम है। उस्मान भाई आप बताएं आजमी कैसे हैं? आपने भाई से अच्छा नहीं किया, ठीक है। भाई ने आपकी सारी कहानियाँ हमें सुना दी है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करिएगा भाई, बेचारे बड़े परेशान कर दिए भाई ने आपको। बाकी अमीर भाई से बात कर करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह बाग खुश रखे। स्टिल 3-4 घंटे से बैठे हैं और हमें टाइम का नहीं पता लगा हमारा टाइम कैसे स्पेंड हुआ है। बड़ा मजा आया, ऐसे लग रहा है कि जैसे अपना बहुत पुराने के दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी गैदरिंग वगैरह हुई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपना कराची आएंगे तो लाजमी आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपने आना है अगर आप कराची आए और हमसे नहीं मिले, नहीं इंशाल्लाह जुर्माने में यहाँ आके लगाऊंगा। 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद मुलाकात करेंगे भाई जी। ये आजम भाई के लिए व्लॉग का वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, आदम को हेलो आए कर दे। हाँ आदम, ये तो मेरा सामान आ गया। ठीक है, वो आपका गिफ्ट जो है ना इनके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो आदम इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अब मैं सारे भाइयों के साथ खड़ा हूँ सिर्फ आपके लिए, आपने जो मेरे साथ वहाँ एयरपोर्ट पे किया वो कभी नहीं भूलूँगा मैं। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। हमें बोर्डिंग मिल गया है और इसके बावजूद फ्लाइट लेट हो चुकी है। आज़म भाई साहब अभी आप जल्दी से ठीक हो जाए, हम पहुँचने वाले हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके। नर्जी आ रही है आज़म VIP वाली, और अभी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, फ्लाइट रेडी है डिपार्चर के लिए। मेरी कंडीशन आज़म बिरानी, आप देखते हैं मेरा जिसका नाम है। तो फाइनली भाई हमने 2 दिन पहले आज़म को भेजा था इस्लाम, वहाँ से चला गया था शिकारपुर, इलेक्शन चल रही थी, इलेक्शन के जो भी प्रोसीजर होंगे इसने रिकॉर्ड किया होगा। अभी वो 2 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सखर गया था, सखर के बाद सीधा अभी कराची अराइवल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलने वाला है। तो मैंने सोचा कि ये एक पॉइंट भी हम ले लेते हैं, उसके ऐड करेंगे। तो हम वेट कर रहे हैं, अराइवल होगा यहाँ। हाँ अराइवल होगा इस गेट से, तो अभी नॉन स्टॉप हम वेट कर रहे हैं। जहाज़ माशाल्लाह से लैंड हो चुका है, तो उसको निकलने में 10 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह, वो पहुँचेगा। तो नॉन स्टॉप कंटिन्यू करते हैं, अब वो क्या क्या चीज़ें लाए हैं इंशाल्लाह वो इस ब्लॉग में ऐड करेंगे। भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हातिम खान मीरन साहब पहुंच गए हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे। और जो इसने काम किया 2 दिन, 1 दिन का पूरा एयरपोर्ट चला गया सखर के बाद, अभी ये दूसरा दिन है दूसरा दिन है खैरियत से पहुंच गया। फर्स्ट ये चीज़ मुझे चाहिए थी जो भाई ने स्पेशली भेजी थी, बाकी ऑल इक्विपमेंट जो हैं वो मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से पहुँच गया। ये चीज़ जो आपके हाथ में है वो मैं इसका किस्सा बताऊँगा, तो वो ऐसा किस्सा था कि एक बंदा चेक कर रहा था पूरा बैग, बैग चेक करने के बाद अगले दिन बोला यार
एक मेट्रो की घड़ी थी स्मार्ट, वो कहाँ है? मैंने कहा देख ले, अपने हाथ के सामने किए जा रहा हूँ, देख ले इधर इधर। वो बंदा घड़ी को भी देख रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा। ये आसिफ भाई के बारे में बोल रहा है, आसिफ भाई के बारे में। आसिफ भाई को घड़ी मिली नहीं, वो सीधा घड़ी यहाँ आए क्योंकि उसने मुझे कसम दिया था कि ये घड़ी मेरे पास आनी चाहिए, आनी चाहिए। और ये इक्विपमेंट सारे भाई ने भेजे हैं, अमानत पूरी अपने जो है ना हाथों से तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। शुक्र है, पहले ये तो मैंने घड़ी चेक की है, बाकी और इक्विपमेंट है, लैपटॉप है या कुछ और सामान जो इस बैग के अंदर मेंशन किए हुए भाई ने, वो मुझे चेक करने हैं क्या क्या इस बैग के अंदर ये लाया है। ठीक है, और बाकी अमानत में ख्यानत नहीं करता। हाँ, और सबसे बड़ी थैंक यू मैं मुशी भाई को करूँगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको आपको हर खुशी जो ना आपको अता करे। और थैंक यू जो ये बैग आपने वहाँ से भेजा, उनके लिए भी थैंक यू जो वहाँ से लंदन से इस्लामाबाद तक आज़ाद कश्मीर तक सामान लाए, उनका भी थैंक यू। और ज़मीर भाई और अल्हम्दुलिल्लाह अपना अतलस का भी बहुत बहुत थैंक यू जो इस्लामाबाद तक सामान लाए। उसके बाद बिग थैंक दिलावर खान मीरानी, क्योंकि ये इस्लामाबाद पे जाके वहीं से मुझे मेरा खर्चा इसने बचाया और वहाँ से सामान लेकर आया नॉन स्टॉप। फिर ये सखर गया था, उसके बाद फैमिली साथ में, ये इशफाक भाई भी है और नवाज़ भी है, अभी नवाज़ तो यहीं से था मेरे साथ, इशफाक भाई भी आए अभी चल रहे हैं नॉन स्टॉप, सीन ऑन कर रहे हैं। इस व्लॉग में और भी कुछ ऐड करना, बाकी क्या क्या चीज़ें थी वो चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ें आई हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ये सफर यहाँ तक था, थैंक यू, अगली बार अल्लाह बाय। माँ तो कह रहा है मेरे बाबा बेटा, बाबा माँ बेटा तो आजे आजे जो मुझे चाहिए थी इनके लिए मैं तड़प रहा था, अभी फाइनल रिपोर्ट लिया है। आज ये घड़ी थी और ये सामान जो भी था मुझे चलो ठीक है भाई, फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरी से पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह भाई पहुँच गए। और ये भाई साहब हमारे जो है ना, इसकी तबीयत खराब हो रही थी, आपने बड़ा काम किया भाई, मेरी बीपी लो हो गई थी, अभी ये काम सेट कर दिया सर। चलो मैं भी हूँ असली हालत में जो जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ तो अभी वक्त है, अभी तो घर जाना बाकी है। ओए ओए न्यू शूज, अबे मेरा ये लगेगा तुमसे। अच्छा दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज का इत्तेफाक ये हुआ कि खैरियत से दिलावर इस्लामाबाद से सामान लेकर आया अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि आज का दिन हमने उसको फ्रेश करवाया है, एक घंटा फ्रेश करवा के अभी सीधा हम आए हैं इसी रेस्टोरेंट पे जो हैविंग कोई फूड है, हमने क्या कहा फूड हेवन, जो पर हेड 1000 रुपीज़ चार्ज करेगा, तो हम यहाँ पे आए हैं आपको खाना खिलाने के लिए। हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से एजाज भाई, आसिफ भाई और प्लस में हाजी रब्दुलमास खान, सब हम आए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये ब्लॉग तो चल ही रहा है तो इसमें कंटिन्यू कर देते हैं आज का ये खाना स्पेशली फॉर दिलावर के लिए, सही है, क्योंकि इसने इसने बड़ी कुर्बानी दी है, ये एक दिन पूरा ख्वार हुआ है एयरपोर्ट पर और उसने खाना भी सही से नहीं खाया, तो मैंने इसको कहा कि आप फ्रेश होके आओ, सामान हमने रखा है, अभी हम सीधा आए रेस्टोरेंट पे। कौन सा रेस्टोरेंट है भाई? ये बुफेट हेवन, इधर आके बताओ, बुफेट हेवन पे हम खड़े हुए और मेरे ख्याल से हम जनवरियों की तरह टूटने वाले हैं, मुझे बहुत है। हाँ, इस्लामाबाद से मैं इतना भूखा आया हूँ कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ सामान रखा है और वापस आके
आज़म के पैसों का मुझे छोड़ना था। ठीक है तो भाई, ये नान स्टॉप हम बैठे हुए भूखे पे, अभी भूखे पे हम इंशाल्लाह ऑर्डर देंगे और देखते हैं कि कौन कितना खाता है। वो खाना अच्छा ही है, अभी अलहमदिल्ला भूखे पे ही है। तो एजाज साहब बैठे हुए और उसके अलावा आसिफ भाई और नवाज और आज इरफान फैसल लेट है, और एक जो बंदा है वो कह रहा है मैं जॉब पे भी हूँ और छुट्टी पे भी हूँ। वो कह रहा है मैं जॉब पे भी हूँ छुट्टी पे भी हूँ। वो है अपना फिलहाल, और फैसल भी बिजी है, उसने अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो हम नान साथ चले हैं, फ्लावर को बहुत भूख लगी, ये खाके और सीन ऑन करते हैं इंशाल्लाह। और जो जो चीज़ें इस्लामाबाद से अपना फ्लावर लाए हैं तो इंशाल्लाह वो भी इसमें ऐड करेंगे, इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो सीन ऑन करते हैं, नान स्टॉप बुफे का माहौल है भाई, टूट पड़ो। लाभ क्या खाने वाले वाइट कढ़ाई भी है। वाह वाह आज ये हो गया यार। गरम तो नहीं होगा? थैंक यू, छोड़ दो। थैंक यू सो मच। या हबीबी शुक्रन, या हबीबी शुक्र है वल्ला कोई सकील अरे ये मत कोई वाला कोई ये मां है ना अली भाई आना के लिए कह रहे हो तो बड़ा खबर पे ये भी ये चाह करी आजम काफी मुश्किल आधा पाकिस्तान कराची अकेला आधा पुलिस वल्ला कोई सारा सवा सवा आना कुल सिद्दीक मौजूद सिद्दीक आसिफ सिद्दीक आजम आधा फुल सिद्दीक इजाज फैद सिद्दीक आसिफ सिंगर 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 आधा आधा फुल कोई यो शुक्रन या अभी भी शुक्रन अन्ना जवाल मौजूद है सर अभी चलो दो आधा बजूरा आधा बजूरा आधा माफी मांग वो फुल कबीर ना सर फाइनली मैंने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और नवाज ने खा लिया है और नवाज वालों ने खा लिया है, आज मजे कर रहे हैं कि ये इस्लाम बस खाना नहीं खाया जाता वो अभी ज़रूरी है। ये पार्टी इसके लिए थी स्पेशली, और भी अच्छा था। सी यू।